वंदे मातरम फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से एम विद रोहित चौहान यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज फ्रेंड टॉपिक है मेडिसिन कैटेगरी। मेडिसिन कैटेगरीज इसमें कुल मिला के 3 पार्ट मैंने अपलोडेड किए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे वो अवेलेबल है। तो इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को आप अवश्य देखिएगा फ्रेंड्स, और आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन ऑन रखिएगा फ्रेंड्स। ये क्या है? यह एक सफिक्स है, फ्लूरेन। अब फ्लूरेन कहाँ पर है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले आप देखिए फ्लूरेन कहाँ पर है। देखिए लास्ट पे दे रखा है फ्लूरेन, फ्लूरेन। अब इस फ्लूरेन का यूज कहाँ करते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल करते हैं यूज फॉर जनरल एनेस्थिया, है ना। जब इंसान की सर्जरी की जाती है तब उसको एनेस्थिया के लिए यूज किया जाता है ना, तो उसमें इस दवाई का यूज किया जाता है। याद रखना फ्लूरेन, फ्लूरेन दैट इज यूज फॉर जनरल एनेस्थिया ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान इस जो एनेस्थिया दिया जाता है तो इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। और मेडिसिन क्या है? फ्लूरेन है, याद रखिएगा फ्लूरेन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सेबोफ्लूरेन, इसोफ्लूरेन एंड फ्लूरेन। देखिए फ्रेंड्स फ्लूरेन आ रहा है, देखिए फ्रेंड्स ये फ्लूरेन है। तो फ्लूरेन का अर्थ क्या होता है? दैट इज यूज फॉर जनरल एनेस्थिया ड्यूरिंग सर्जरी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट कंटेंट में चलते हैं। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये है राइडॉन। राइडॉन और मेडिसिन कैटेगरी कौन सी है? एंड टॉपिकल एंटीस्पायरोटिक, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं मेंटल इलनेस, है ना। जो दिमागी रूप से बीमार होते हैं, बेवजह अनयूजल थिंकिंग करते हैं, उनके लिए यह मेडिसिन यूज की जाती है। याद रखना राइडॉन, जिस दवाई के अंत में राइडॉन शब्द आता है तो उसकी पहचान क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है राइडॉन और राइडॉन। ये राइडॉन यूज किसके लिए किया जाता है? मेंटल इलनेस, जो शारीरिक रूप से दिमागी रूप से अक्षम होते हैं, बीमार होते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट कंटेंट में चलते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जोसीन। याद रखना है जोसीन कहाँ यूज किया गया, देखिए फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स जोसीन और जोसीन, यह फ्रेंड्स एक तरह की अल्फा ब्रोकर है। क्या है? अल्फा ब्रोकर है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? इट इज यूज फॉर हाई बीपी, जिनको हाई बीपी की शिकायत होती है उसके लिए किया जाता है। और जिसको क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होता है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम होती है, उसको दवाई यूज की जाती है। याद रखना इसकी पहचान कैसी होगी, कैसे पता चलेगा? आप बस इस सब को याद रखिएगा, ये जोसीन और ये जोसीन, ठीक है। पहला है टेरा जोसीन, दूसरा है डॉक्सा जोसीन। याद रखिएगा फ्रेंड्स जो जोसीन शब्द है यह एक अल्फा ब्लॉकर है। इट इज यूज फॉर हाई बीपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड, जो पेशाब से संबंधित समस्याएं होती हैं, एक ग्लैंड बड़ा होता है उसके कारण पेशाब में आने में दिक्कत हो जाती है, तो उसको वो कंट्रोल करता है। याद रखना है जोसीन कहाँ पर अंत इसको यूज किया गया है, देखिए फ्रेंड जोसीन है और जोसीन है फ्रेंड्स, ठीक, टेरा जोसीन और टॉक्सा जोसीन। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा फ्रेंड्स। और चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।